हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी गरिमा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी और एकदम खिली खिली ये मीठी कचौड़ी बनाकर रेडी की है। आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने एक बड़ा सा बाउल भर के मैदा, और इसका आधा कटोरी लिया है मैंने सूजी। अब इसमें हम बेकिंग सोडा और इलायची पाउडर ऐड करेंगे, और बेकिंग सोडा हमें इतना ऐड करना है तो हमारी बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी और खस्ता बन के रेडी होंगी कचौड़ी। अब इसमें हमें और 1 कप ऑयल ऐड करना है, और ऑयल इतना ऐड करना है जिससे हमारी मुट्ठी अच्छे से बन जाए। तो बस इसको अच्छे से मिला लिया है ऑयल और सभी चीज़ों को। अब इसमें हम जितना पानी लगेगा उतना डालते जाएंगे, और इसको अच्छे से एकदम गाढ़ा बना लेंगे। एकदम ज़्यादा हमें ढीला नहीं बनाना है इसका पेस्ट। तो बस ये बिल्कुल गाढ़ा आटा जो जो हम रोटी के लिए बनाते हैं, उस पूड़ी के लिए बनाते हैं सॉरी, वैसा ही आटा हमें इसका गूंदना है। यहाँ पर मावा लिया है मैंने 250 ग्राम, उसको हम पैन में डाल लेंगे और अच्छे से इसको थोड़ा सा गर्म, जैसे हम गुजिया के लिए स्टफिंग बनाते हैं बस वैसे ही हमें मीठी कचौड़ी के लिए स्टफिंग बनाना है। तो बस इसको अच्छे से जिसमें दाने ना रहें, और कोई हम इसमें आधा कटोरी डालेंगे चीनी, जितना हमारा मावा है खोया है उसका आधा हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मिठास आजकल कोई पसंद नहीं करता है। तो बस अब इसको चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस चीनी हमारी मेल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एकदम फ्रेश मावा है और इसमें हमें ज़्यादा उबालने इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो भी आपके घर में अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट, इसमें वो ऐप डालिए, जिससे इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। तो हमारी स्टफिंग बनकर हो गई है रेडी। तो बस थोड़ी सी केसर और इलायची डालकर इसको हमने रख दिया है साइड में, और हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर अब इसके लिए हम चाशनी बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके लिए 1 बाउल भर के मैंने ली है चीनी, और उसमें आधा कटोरी हमने डाली है पानी ऐड कर दिया है, और इसमें थोड़े से ये पक जाएगी। उसके बाद इसमें हम थोड़े से केसर डालकर इसको ऊपर से इसका कलर चेंज हो जाएगा जिससे केसर से, तो बस केसर डालना ऑप्शन। तो बस चाशनी हमारी अच्छे से पक गई है, इसमें एक तार आने जैसा हो गया है। तो बस इसी तरह हमें ये पका कर रेडी करना है। अब इसको भी रख देंगे साइड में। तो डो हमारा कंप्लीट है, और ये भी स्टफिंग जो हमने बनाकर रेडी की है वो भी तैयार है। तो इस तरह से एक दोस्तों, जैसे हम कचौड़ी के लिए लोई लेते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, वैसे ही हमें ये बनाकर रेडी करना है। बस वैसे ही स्टफिंग इसमें भरो, और इसको हाथ से दबाते हुए चारों तरफ से पुश करते हुए इसको कचौड़ी का आकार हम दे देंगे। तो इस तरह से हाथ से ही ये बिलकर रेडी हो जाएंगे। इसी तरह हाथ से दबाते हुए हम ये कचौड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे, और आप देख सकते हैं ये कचौड़ी कितनी अच्छी से बन रही हैं। हमारा डो भी एकदम परफेक्ट बना है। इसी तरह से आपको बनाकर रेडी करना है, और इस राखी पर आप इस तरह की मीठी कचौड़ी बनाकर ज़रूर खाएं, जो कि आपके सभी घर में सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएंगी। इस तरह से मेरी सारी कचौड़ी बनकर रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर ऑयल मैंने पहले से ही गरम करने रख दिया था। अब इनको बिल्कुल मीडियम आंच पर हमें, जैसे हम कचौड़ी को फ्राई करते हैं अलट, हमें इनको फ्राई करना है अलट पलट करते हुए ही, और एकदम मीडियम आंच पर ही पकाना है, जिससे इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो और एकदम क्रिस्पी ऊपर से खस्ता सिके। तो आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और खस्ता सिक कर रेडी हो चुकी हैं, बिल्कुल लग रही हैं कचौड़ी जैसी। अब यहाँ पर जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें केसर का अच्छा सा कलर नहीं आया है, तो बस ये फीकी फीकी लगेंगी, इसलिए मैंने इसमें एक चुटकी कलर, फूड कलर ऐड कर दिया है, जिससे हमारी ये कचौड़ी बहुत ही कलरफुल लगेंगी। तो आप देख सकती हैं कितनी अच्छी से हमारी खस्ता एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी खस्ता खस्ता सिक कर रेडी हुई हैं, और इनको अब हम इस तरह से चाशनी में डुबा देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इनको इस तरह से चाशनी में भर कर डाल दिया है, और ये जितना भी ये रस है उनका वह सोख लेंगी। और यहाँ पर हमारी ये बनकर रेडी हो गई है एकदम मीठी खस्ता कचौड़ी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट आप बिल्कुल कीजिए, ज़रूर कीजिए। तो बस ऊपर से इनको गार्निश कीजिए कुछ ड्राई फ्रूट से। तो
बस तैयार है हमारी फेस्टिवल स्पेशल मीठी कचौड़ी। आप भी ज़रूर बनाकर देखें, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो थैंक यू एंड बाय बाय, अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मुलाकात। और फ्रेंड्स, आप इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करती रहिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। और आप इसी तरह से मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना और इन्जॉय करते रहना, तो मैं भी आपके लिए नई नई वीडियो और लाती रहूँगी और बनाती रहूँगी।